करियर पथ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कुंदन कुमार। आइए आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का क्लास 6 पढ़ते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3600 रुपये की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार उधार दिया गया कि पहले भाग पर 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग पर 6.4% साधारण ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज बराबर बराबर हो तो दोनों भाग बताएं। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है एग्जाम में। एक्स इंटू 5% इंटू 3 करेंगे क्योंकि हम लोग का 5% साधारण ब्याज की दर से 3 साल का दिया हुआ है, यानी कि एक्स इज टू 15% इजकल टू यहाँ पे वाई इंटू 6.4% इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, यानी कि वाई इंटू 25, वाई इंटू 25%। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक्स इज टू वाई क्या हो जाएगा, 25 इज टू 15 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 5 5 5 3 ये इक्वल टू 8। अब एक्स प्लस वाई यानी कि 3600 रुपये की धनराशि दिया हुआ है, यानी कि 5:3 इक्वल टू 8, 8 का वैल्यू 3600 रुपये दिया हुआ है। अब इससे ये कितना गुना बड़ा है देखिए, 450, 450 गुना इससे बड़ा है। जब यहाँ पर 450 से गुना करेंगे तो रेशियो में इधर भी 450 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग 450 से गुना करेंगे तो 2250 रुपये एक्स भाग आ गया और वाई भाग हमारा 1350 रुपये आ गए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा ये साधारण ब्याज बराबर बराबर है, 4 साल का ब्याज। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मिश्रधन बराबर बराबर करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी क्वेश्चन को हम लोग मिश्रधन बराबर बराबर करके बनाते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है, वो कैसे बनेगा। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 9600 हम लोग कर देते हैं कि धनराशि को उधार दिया गया पहले भाग पर किधर से 3 साल का, यहाँ पे मिश्रधन कर देते हैं जो साधारण ब्याज है, यहाँ पे हम लोग इसको मिश्रधन कर देते हैं। तथा दूसरे भाग पर इतना किधर से 4 साल का यहाँ पे मिश्रधन। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग का ब्याज था लेकिन अब हम लोग यहाँ पे मिश्रधन करते हैं। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ब्याज बराबर है, इसमें हम लोग मिश्रधन बराबर बराबर करना है तो दोनों भाग बताए। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। एक्स इज टू जो 5% की दर से 3 साल का, यानी कि 5% × 3 करेंगे तो 15% आ जाएगा, लेकिन मिश्रधन दिया हुआ है तो मिश्रधन में 100 से और 15 जोड़ देंगे, यानी कि 115%। ठीक है, मिश्रधन में 100 हम लोग जोड़ देते हैं, इजकल टू वाई इंटू 25 आया था तो 25%, जिसमें हम लोग 100 जोड़ देंगे तो 125% हो जाएगा। तो एक्स इज टू वाई हो जाएगा आपका 125:115। ठीक है दोस्तों, अब 5 से हम इसको क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5×2=5, 25 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 25
थ्री आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए x प्लस वाई हम लोग का 9600 दिया हुआ है, तो 25 इज टू 23 इजकल टू कितना होगा बताइए, 48 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 48 हो जाएगा। अब टोटल का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ 9600। अब देखिए 9600 इससे कितना गुना बड़ा है, यानी कि इससे 200 गुना बड़ा है। जब इस साइड 200 से गुना करेंगे तो इस साइड भी 200 से गुना करना पड़ेगा, ये रेशियो का नियम है। तो 200 से करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5000, और यहाँ हम लोग 200 से करेंगे तो आ जाएगा 4600। यही हम लोग का आंसर आ गया। देखिए दोस्तों कितना आसान है, आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, और फर्स्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग ब्याज किए हैं और यहाँ पे हम लोग मिश्रधन। ब्याज में सिर्फ 5% जो थी था तो 15% कर दिए हैं, और इसमें आपका मिश्रधन दिया हुआ है तो 100 हम लोग जोड़ दिए हैं, तो 115% यहाँ पे आ गया है, यहाँ पर 125% आ गया है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक आदमी 25,300 को ए बी तथा सी में इस प्रकार बंटवारा करता है कि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से क्रमशः 2 वर्ष, 3 वर्ष तथा 4 वर्ष बाद उनके मिश्रधन आपस में बराबर बराबर हो, तो ए का भाग बताए। आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। यहाँ पे आपका 25,300 रुपये है, हम लोग उसको ए बी सी में बंटवारा कर रहे हैं, कितना 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए ए को, यानी कि ये आपका हो जाएगा ए इंटू 120%। क्योंकि दोस्तों देखिए मिश्रधन है, मिश्रधन में 100 हम लोग बढ़ा देंगे। अब यहाँ बी इंटू ये आपका 3 वर्ष के लिए है, तो 10 × 3 यानी कि 130 इजकल टू सी, यहाँ पर 10 × 4 तो सी इंटू 140 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए इज टू बी इज टू सी क्या होगा, ए इज टू बी क्या होगा हम लोग का 13:12 हो जाएगा, ये इससे ये कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बी इज टू सी क्या होगा, बी इज टू सी होगा 14:13। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग को पता है कि यहाँ ए इज टू बी अगर दिया हुआ है तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है 12, अब 12 को हम लोग यहाँ पे ला देंगे तो यह 12 हो गया, ये 14 है तो 14 को यहाँ पे ला देंगे, इससे हम लोग का कैलकुलेशन आसान हो जाता है। पहले हम लोग बनाते थे, वाला नहीं बनाना है, ये देखिए कितना अच्छा मेथड है। तो अब इससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 12 36 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 36 और 3 यहाँ पे आ गया कैरी 156 आ गया यहाँ पे एच टू वहाँ पे 168 आ गया। अब यहाँ पे देखिए एक सौ बिरासी अनुपात 168 अनुपात 156। अब ये देखिए इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 9 आ जाएगा यहाँ पे और 1 आ जाएगा इज टू, यहाँ पे 8 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे
आपका 7 आ जाएगा और 1 आ गया 1/6 यानी कि 8, यानी कि 91:84:78 ये आपका a:b:c आया। अब हम लोग का टोटल इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, ये टोटल जोड़ेंगे तो हम लोग का 253 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 253 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ कि ये टोटल का वैल्यू 253 100 है, यानी कि यहाँ 253 00 ये इससे 100 गुना ज़्यादा है ना दोस्तों, तो इधर भी 100 से हम लोग गुना करेंगे तो ये आपका 7800 रुपये हो जाएगा, और यहाँ 100 से गुना करेंगे तो 8400 ये आ गया, यहाँ हम लोग 100 से गुना करेंगे तो 9100 आ गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। देखिए दोस्तों कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। एक आदमी 1331 रुपये को अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटना चाहता है कि जब वे 18 साल का हो जाए तो 10%, 12% तथा 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उनके साधारण ब्याज आपस में बराबर बराबर हो, यदि तीनों की आयु क्रमशः 12 वर्ष, 8 वर्ष तथा 6 वर्ष है, तो ए को मिलने वाला भाग बताएं। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तेरह सौ 31 रुपया है, ठीक है, इसके 3 पुत्र हैं, मानिए कि ए बी सी है, जब वे 18 वर्ष के हो जाए, यानी कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये 18 वर्ष का हो जाए, यानी कि टोटल तीनों 18 वर्ष का हो जाए, तो फर्स्ट का उम्र आपका है 12 वर्ष और आप पर 10% ब्याज दर है, तो 10 × आपका 6 कर देंगे, क्योंकि 18 − 12 करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी कि a×60 = अब देखिए यहाँ पे हम लोग बी का 12% साधारण ब्याज से है और उम्र उसका 8 वर्ष है, यानी कि b×12×10 कर देंगे, 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, 18 में से 8 माइनस करेंगे तो 10 बचेगा, ठीक है, तो b×120 कर देंगे। अब c के टाइम में आइए, c 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, उसका उम्र 6 वर्ष है अभी, तो 18 वर्ष होने में उसको 12 वर्ष लगेगा, 6×15×12 यानी कि c×180, ठीक है। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 6 से 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, यानी कि a=2b=3c। अब इसको a:b:c के फॉर्म में लाना है, तो a:b:c यानी कि a:b हम लोग का क्या आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा, और b:c कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, और 1 से हम लोग यहाँ पे 1 आ गया, 3 यहाँ पे आ गया,
6:3:2, यानी कि टोटल हम लोग का कितना है, 6, 3, 9 और 2, 11, और टोटल का वैल्यू दिया हुआ है 1331 रुपया। यहाँ टोटल 1331 रुपया है, ये इससे कितना गुना ज़्यादा है, ये इससे 121 गुना ज़्यादा है। जब इधर 121 से गुना करेंगे तो इस साइड भी 121 से गुना करना पड़ेगा, तो 121 से हम लोग गुना करें तो 726 यहाँ आ गया, और 121 से गुना करें तो 363 यहाँ गया, और 121 से यहाँ गुना करें तो 242 आ गया, यानी कि ए को मिलने वाला भाग आपका 726 रुपया, यही हम लोग का आंसर हो गया। देखिए दोस्तों कितना आसान है, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है।